नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरी अयोध्या से राम राम, आप सबको मेरी जय श्री राम। आज का दिन दिव्य है, आज का दिन भव्य है। शब्द कम पड़ रहे हैं मुझे पीछे का नजारा दिखाने के लिए। दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, लेकिन दीप सिर्फ आज अयोध्या में प्रज्वलित नहीं है, आज समूचे भारतवर्ष में दीप प्रज्वलित है, क्योंकि हमारे आपके हम सबके प्रभु राम 550 साल बाद अपने महल में पहुंचे हैं। और आज प्रधानमंत्री का संबोधन, हम कह सकते हैं जिसमें राम की भी बात थी, राष्ट्र की भी बात थी। संबोधन तो कई देखे और सुने प्रधानमंत्री के, लेकिन आज का संबोधन कुछ अलग था। वो भावुक भी थे, वो दृढ़ भी थे, लेकिन आज का दिन कुल मिलाकर किसी इतिहास से कम नहीं था। अलौकिक है, दिव्य है, भव्य है, और आज का दिन सालों तक और सदियों तक कोई नहीं भूल पाएगा, ना मैं, ना आप, ना ये देश, ना ये विश्व, क्योंकि 550 साल के इंतजार के बाद अयोध्या की पावन नगरी में राम लला आ रहे हैं, क्योंकि राम पर वह भी है, राम भारत का विचार है, राम विधान भी है, राम वर्तमान भी है, और राम अनंत काल भी है। राम विवाद नहीं है, राम समाधान है। और अयोध्या ही नहीं, जैसा मैंने कहा, पूरे देश में, पूरे विश्व में समय एक की धुन बज रही है, वो है राम धुन। पहले ये एक मिनट की रिपोर्ट और फिर बातचीत। रामचंद्र की राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। हिस्टोरिक डे। अरे क्या कर रहे यार, पूरे पीछे हो गए, पीछे हो गए। तो आ गए हैं राजा राम, तो जय श्री राम के उद्घोष के साथ रामलला का स्वागत करिए। और मेरे साथ मौजूद है शैलेश रोदा, जाने माने कवि और कलाकार। मेरे साथ चिदानंद स्वामी जी हैं, आपका भी अभिनंदन है, आप सबको मेरी राम राम, आप दोनों को मेरी राम राम। तो शुरुआत शैलेश भाई के अनुरोध पे मैं चिदानंद जी से शुरुआत कर रहा हूँ। चिदानंद जी, आज जब रामलला विराजमान हो रहे थे, मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं मन में क्या भाव था, तो ये मेरी त्रुटि होगी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो जब सुन रहा था, देख रहा था, दर्शन कर रहा था, केवल आंखों की पलकें नहीं बल्कि दिल की पलकें भी गीली हो उठी थी। बड़े भावुक क्षण, और उससे भी ज्यादा भावुकता प्रदान करने वाला था आज के हिंदू हृदय सम्राट, ऊर्जावान कर्मयोगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय, दोनों हाथ उठा के जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम। ये जो आज माहौल है, भारत के ऊर्जावान, जी अब अपनी बात तो बोलिए, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने इसी माहौल को बदला है, और इसी माहौल ने पूरे मुल्क को बदला है, उन्होंने दिलों को बदला है, और अब दुनिया बदलने की तैयारी है, और उसकी अयोध्या शुरुआत उन्होंने अयोध्या से की है, और इस बात से की है कि आज समाज को, जो समाज में उस सनातन के लिए, उस भगवान श्री राम के लिए जी, हमारी संस्कृति के लिए जो दूसरे विचारों को करते हैं, उन्होंने इशारा किया कि आज हमारे देश में एक तो वो विचार है
जो भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने दिया, और एक वो विचार है जहां पर निमंत्रण मिलने के बाद भी लोगों ने उसको नकार दिया। क्यों? ये सोच का संकट है, ये सोच का संकट है। आपने बड़ी बड़ी बात बोली है, सोच का संकट है। मेरे साथ शैलेश लोधा है, पब्लिक आपको सुनना चाह रही है जी। और शैलेश भाई सबसे पहले तो आपको मेरा आभार कि आपने हमारा न्योता स्वीकार किया आज, क्योंकि आजकल न्योता अस्वीकार करने का भी दौर चल रहा है। तो आपने हमारा न्योता स्वीकार किया यहाँ पर। देखिए, न्योता अस्वीकार वो करते हैं जो दुर्भाग्यशाली होते हैं जी। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और यहाँ वही आ पाता है जिन्हें राम बुलाता है। लेकिन अंत में तो राम सभी को बुला लेते हैं। देखिए, अंत में भले ही राम सभी को बुलाते ही हैं, क्योंकि अंतिम सत्य ही राम नाम सत्य है। लेकिन वो लोग जो यहाँ का निमंत्रण आने के बाद ठुकरा दें, ऐसे लोगों पे दया आती है, ऐसे लोगों पे क्रोध नहीं आता, दया आती है। इस धरती पे पैदा होके, जिनके जीवन में उनके नामकरण से लेके जब तक वो संसार छोड़ेंगे तब तक राम है। और आप राम के बुलाने पे अगर नहीं आ रहे, राम आदि भी हैं, राम अनंत भी, जो मैंने हमेशा कहा है कि राम भाव हैं, प्रभाव हैं, मर्यादा का स्वभाव है। राम इस धरती पर विष्णु का प्रादुर्भाव है। राम सिर्फ नहीं एक शब्द है, राम सिर्फ नहीं एक शब्द है, राम अतीत, राम वर्तमान और राम ही प्रारब्ध है। तो राम के बिना कुछ है ही नहीं। और वो दुर्भाग्यशाली लोग जो नहीं आते, उन्हें राम जाने। आज 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 आप भी थे जी, काफी सारे संत महात्मा थे, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं इस देश के, संत जी, महात्मा जी। और हमारे साथ बाकी भी सेलिब्रिटी थे। हम लोग तो वो हैं जिनके चेहरों पे मेकअप की चमक है जी। ये संत वो लोग हैं जिनकी आत्माओं की तालिया, चमक है। तालिया इस बात पे। और शैलेश भाई, मैंने आज अनुपम खेर के आंखों में आंसू देखे, मनोज जोशी मेरे साथ थे, उनकी आंखों में आंसू देखे। वो तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा, मनोज जोशी बैठे हुए हैं, मधुर भंडारकर रो रहे हैं, मतलब ये सब लोग जो थे इनकी आंखों में आंसू थे। देश में इस समय आतिशबाजी हो रही है, आपकी भावना क्या थी जब रामलला विराजमान हुए? मैं डबल माइक लगा देता हूँ आपके पास। नहीं, मैं डबल की कोई जरूरत नहीं है मेरी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी क्या, वहां जितने लोग होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्षण जब आए और आपकी आंखों से आंसू ना निकले। लेकिन हमारे आंसू खुशी के थे, हमारे आंसू संतुष्टि के थे, हमारे आंसू समर्पण के थे, हमारे आंसू भक्ति के थे, हमारे आंसू आस्था के थे, हमारे आंसू विश्वास के थे, हमारे आंसू इस बात के थे कि 500 बरस बाद और इतने सालों बाद टेंट से निकल के इतनी बड़ी लड़ाई लड़ के राम आज यहाँ पे उपस्थित है, इस बात के खुशी के आंसू थे। बहुत बहुत अच्छा। एक अभी भी आपकी आंखें भरी हुई है। मैं बिल्कुल भावुक हूँ, और भावुक क्यों ना हूँ, ईश्वर ने वो क्षण हमें दिया। अमीश, मुझे बताइए, 500 सालों बाद ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, हम बैठे हैं, चिदानंद जी यहाँ पे बिराजे हुए हैं, और इस देश के 140 करोड़ लोग जो आज टीवी पे देख रहे थे, दुनिया के सबसे भाग्यशाली पीढ़ी अगर है तो हमारी है कि 500 साल बाद हमने ये दृश्य देखा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री का संबोधन, आपने प्रधानमंत्री से कई बार मुलाकातें करी है, कई बार संबोधन किया है, इसके बारे में मैं चिदानंद जी और आप दोनों से, आपसे शैलेश जी जानना चाहूंगा। शैलेश भाई, पहले आपसे प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन के क्या लगा? क्योंकि आज मुझे किसी ने एक शब्द लाइन बोली कि स्वामी विवेकानंद याद आ गए। निश्चित तौर पर आज जब वो बोल रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि एक प्रकाश प्रस्फुटित होता है। एक क्या बढ़िया लाइन उन्होंने बोली कि ये आग नहीं है, ऊर्जा है, ये ऊर्जा है। ये नहीं ऊर्जा है। और उन्होंने कहा कि ये विजय हमें विनय देगी, और विनीत होना बहुत जरूरी है। एक आपकी अगर इजाजत हो तो एक प्रसंग रामायण का मुझे याद आ गया कि जब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध होने वाला था, और युद्ध क्योंकि धर्म युद्ध होते थे, रात को युद्ध नहीं होता था सुबह, तो युद्ध के पहले लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं प्रभु श्री राम से पूछ लूं कि मेघनाथ जो उसके पास तो अमोघ अस्त्र है, वो तो ब्रह्मास्त्र चला देगा, तो उससे मैं कैसे युद्ध करूं। सुबह का वक्त था, प्रभु के पास गए, प्रभु पूजा में थे, तो बजरंगबली ने कहा कि पूजा में, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि एक कोई भी पात्र लेके जाओ और सामने जो भी कोई पहला आदमी मिले उससे कुछ मांग लो। लक्ष्मण ने कहा ये क्या बात हुई, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या दे रहे, कुछ भी मांग लो जाओ। वो गए और सामने रावण का एक सैनिक आ रहा था कि भाई मुझे कुछ दे दे, तो उसने कुछ अन्न के दाने लक्ष्मण जी को दे दिए। अब और कोई वक्त होता तो लक्ष्मण जी क्रोधित, वो तो रावण के सैनिक को वहीं वध कर देते, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा था कि मुझे कुछ दे दे, अन्न दे दिए। युद्ध हुआ, मेघनाथ ने उनपे अस्त्र छोड़ दिए, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो जैसी अस्त्र उनकी तरफ आने लगे, तो लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रणाम किया, तो वो अस्त्र वापस
लौट गए। इन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लेके तीर छोड़ा, मेघनाथ अहंकार में हंसने लगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब लौटे तब उन्हें ध्यान आया कि मैंने पूछा था कि मुझे कुछ बता दे, उन्होंने मुझे मांगने भेज दिया। तो प्रभु श्री राम ने बजरंग बली को कहा कि मैंने इसलिए भेजा था कि मुझे मालूम है कि लक्ष्मण क्रोधित स्वभाव के हैं, उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन जब किसी से कुछ मांगेंगे ना तो उसमें विनीत स्वभाव आएगा, विनय होगी। मेघनाथ के अस्त्र जब सामने आए उस विनीत स्वभाव की वजह से उन्होंने हाथ जोड़ दिए तो अस्त्र लौट गए। अगर मेरे तीर के सामने मेघनाथ भी हाथ जोड़ देता तो शायद मैं उसकी जान बख्श देता। विजय विनय सिखाती है, विजय विनय सिखाती है। जब भी सफल हो, जब भी कुछ अच्छा हो, ये विनीत तो होना विनीत होना चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण की हम बात कर रहे थे, बैठिए चले भाई। अब प्रधानमंत्री के हम भाषण की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री को सुन के आज कैसा लगा और क्या महसूस कर रहे थे? उनका उनका जो संबोधन था उसको अगर आप अपने अंदाज में और अपनी भाषा में बोलेंगे चिदानंद जी। मुझे तो लगता है कि आज का उनका उद्बोधन अद्भुत था, अतुल्य था, अलौकिक था। मैंने बहुत सारे उद्बोधन उनके सुने हैं, लेकिन आज का उद्बोधन एक ऐसा उद्बोधन था जिसको सारे लोग प्रसन्न हो गए और सारे लोग प्रसन्न हो गए। लोग भी प्रसन्न हो रहे थे आज और लोग भी प्रसन्न हो रहे थे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज का जो माहौल था, आज का जो वातावरण था जिसमें इतनी वाइब्रेशन थी, क्यों था? क्योंकि आज हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट, भारत के ऊर्जावान तपस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दिवस आज उपलब्ध कराया। बलिदानों का बलिदान, आस्थावानों की आस्था और संविधान के द्वारा दिया गया समाधान, लेकिन कर्मवीरों की वो जो कुर्बानी थी और कर्मवीरों से लेकर आज के कारीगरों तक जो आज हमने दृश्य को देखा है, मैं कहना चाहता हूँ ये इसलिए संभव हुआ कि जो कहते हैं ना मोदी जी हैं तो मुमकिन है, इसलिए ये मुमकिन हुआ। अन्यथा लोग कहते थे अभी क्यों ये मुहूर्त चुन लिया, थोड़े दिन और रुक जाते। सच्चाई मानिए आप, सदियों तक रुके रहे, अगर आज रुक जाते सदियों तक फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती। इसलिए जो ये मुहूर्त था, ये मुहूर्त नहीं केवल मुहूर्त तो चुना ही गया, ये देश का मुहूर्त ही नहीं केवल, देश का मूड भी है, देश का माहौल भी है। इससे बड़ा और कौन सा मुहूर्त हो सकता था? इसलिए जो मैंने आज सुना उनको, मेरे सुनने के बाद मुझे आज ऐसा लगा कि आज का दिन 26 जनवरी का दिन हम याद रखते हैं, 15 अगस्त को हम रोज मनाते हैं हर साल, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद अगर कोई दिन पूरे विश्व में मनाया जाएगा, आप पक्का मानिए ये 22 जनवरी का दिन होगा। दिवाली तो हम सब हमेशा मनाते हैं लेकिन हम राम दिवाली केवल अयोध्या में नहीं, आज तो टाइम्स स्क्वायर के ऊपर भी दिवाली मनाई जा रही है। ये है भारत की ताकत, देखिए आज प्रधानमंत्री के संबोधन में भावुकता भी थी, एक दृढ़ता भी थी। भावुकता का ये पल है, यहाँ पर भी जो लोग बैठे हैं जोश के साथ जय श्री राम का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ होश बरकरार रखनी है। जैसा शैलेश जी ने बोला कि विनीत होना चाहिए, लेकिन भावुकता का ये पल था, प्रधानमंत्री भी भावुक हुए। बिल्कुल हुए, और ये भावुकता का पल था। मैं उसको दूसरे शब्दों में कहता हूँ, मैं चूंकि कवि हूँ जी, जब आप रामलला की मूर्ति देखी तो भावुक होना स्वाभाविक था। आप तो अभी भी हो रहे हैं। मैं अभी भी हो रहा हूँ, और क्यों हो रहा हूँ, मैं अभी तक वो वाइब्रेशन जा नहीं रही है और जाएंगी भी नहीं, वो अभी तक मैं महसूस कर रहा हूँ मेरी रूह में, क्योंकि ये आप मैं भावनाओं के ज्वार सकल आए, आप मैं भावनाओं के ज्वार सकल आए। हम कहते हैं कि हम इतिहास बदल आए, और रामलला के दर्शन को आंसू भी बेताब थे इसलिए आंखों से निकल आए। आपकी बात सुन के मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, और मैं राम भद्राचार्य जी को देख रहा हूँ। राम भद्राचार्य जी 75 साल के वो संत हैं जिनकी गवाही के बाद रामलला विराजमान हुए हैं, और वो 75 साल के महात्मा संत एक छोटे बालक की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं, ये देख के दिल जो है भाव विभोर हो गया है। मैं राम भद्राचार्य की तस्वीरें चल रही हैं हमारी स्क्रीन पर, और राम भद्राचार्य जी को अगर आप इस समय देखें, आपकी तो मुलाकात भी है, लेकिन क्या आपको आप तस्वीरें देख के रखें कि किस तरह से भावनाओं का सैलाब आ रहा है, यानी अनुराग जो है वो रुक नहीं पा रहा है। अमीश क्यों नहीं होगा, कितनी कुर्बानियां,
कितने प्राण दोछावर हुए, कितनी लाठियां खाई लोगों ने, कितने लोग जेलों में बंद हुए, कितने लोगों ने अपना यौवन कुर्बान कर दिया, कितने लोगों ने इसके लिए प्रतिज्ञा की, प्रतिष्ठा बना, मतलब प्रतिज्ञा करके कहा कि ये वचन है हमारा, हम इसे पूरा करेंगे। और 27, 28, 29 सालों की कानूनी लड़ाई, उसके पहले 500 सालों की नैतिक लड़ाई, उसमें जब ये दृश्य आया है तो आंसू निकलना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति, आज मैं आपको बताऊं, जब टेलीविजन आप, आपने दर्शन करके आया आप? मैं दर्शन कर पाया, दर्शन करके सौभाग्यशाली है, मैं भी दर्शन करके आया हूं। वो कुछ क्षण ही जो थे वो जीवन भर बिताने के लिए काफी। मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट व्यूअर्स आप लोगों के साथ, आज जब हम दर्शन के लिए जा रहे थे तो बड़ी लंबी कतार थी, तो काफी इंतजार कर रहे थे, और मेरे साथ आगे सोनू निगम थे, कैलाश खेर थे, आगे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर थे, ये भी थे और ये मेरे सहायक बने, और इन्होंने हमें प्रोटेक्शन दिया वहां पर कि हम जाएं और दर्शन कर पाए। लेकिन राम लला जो थे वो 550 साल का इंतजार कर रहे थे, करवा रहे, उनको हमने कराया, तो उन्होंने लगभग एक घंटे का हमें इंतजार कराया, क्योंकि दोपहर का भोग था, उसका इंतजार करना पड़ा। और जब दर्शन हुए तो नजारा अद्भुत था। हमें अरुण राम को देख कर क्या लगा, और आज प्रधानमंत्री ने बोला हमारे राम आ गए, निश्चित तौर पे आ गए। देख के यही लगा कि पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, कि इस जन्म में ये क्षण ईश्वर ने हमें दिया कि हम उस विग्रह, उस मूर्ति को देख सके, राम लला को देख सके, उस जगह बैठ सके। मैं आपको बताऊं, आज जब लाइव चल रहा था प्रोग्राम, अलग अलग चैनल पर लोग देख रहे थे कि हम वहां उपस्थित है, आप यकीन मानिए अमेरिका से, कनाडा से, सिंगापुर से इतने मैसेजेस मेरे पास कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप वहां हैं। लोग तरस रहे थे कि वो यहां आ जाएं, यहां पहुंच जाएं, और आज जब ये दृश्य, ये जब समा, ये क्षण आया तो याद जी, ये शब्दों से परे, ये शब्दों से परे है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने कई बातें करी, लेकिन एक दो चीजों पर बात करनी जरूरी होती है शैलेश भाई, और आप हो साथ में स्वामी चिदानंद जी है, तो राम का आज के दौर में औचित्य क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं राम का आज के दौर में औचित्य क्या है, इतने बड़े स्वामी बैठे, मैं कहूंगा कि आज का दौर हो, कल का दौर हो, कोई दौर हो, आप हमें ये सवाल ही नहीं करना चाहिए कि राम का दौर में क्या औचित्य है। राम है तो दौर है, बिल्कुल, राम नहीं तो दौर नहीं, राम नहीं तो समय नहीं, राम नहीं तो पल नहीं, राम नहीं तो क्षण नहीं, राम नहीं तो मृत्यु नहीं, राम नहीं तो जीवन नहीं, राम नहीं तो मन नहीं, राम नहीं तो तन नहीं, बहुत शानदार तो सब कुछ है। और चिदानंद जी, कई सारे विचार आते हैं मन में, लेकिन ये जो आज का दिन है 22 जनवरी 2024, ये सामान्य दिन नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे हम आजादी मनाते हैं, जैसे हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जैसे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही हम अपना रामलला का दिन मनाएं, आज दीपावली मनाएं। आज पूरे देश भर में दीपावली मन रही है, दुनिया भर में दीपावली मन रही है, हमारे पीछे भी दीपक जल रहे हैं, हम दीपक जल रहे हैं। तो सरयू तट पर बैठकर कोई भजन याद आता है आपको? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए रे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए रे, राम आ गए, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए रे, राम आ गए, राम आ गए रे, आ गए रे, आ गए, ओ राम आ गए रे, आ गए रे, आ गए। ये हो मेरी, अभी जब आप ये राम आ गए तो देश के प्रधानमंत्री हम दृश्य में देख रहे हैं अपने घर पर राम ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं। क्या बात, ये राम ज्योति प्रज्वलित हो रही है, और राम ज्योति सिर्फ सबके घर में प्रज्वलित नहीं हो रही, आज सबके दिलों में भी राम की ज्योति लगी है, राम धुन की अलख लगी है। देश के प्रधानमंत्री राम ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह राम ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं, ये दृश्य अद्भुत है। और सरयू तट पे लाखों दिए। चिदानंद जी, शैलेश जी, जी स्वामी जी, और हमारे अमित जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, भारत के प्रधानमंत्री जी की ये विशेषता है कि ये नहीं कि सारे दिवाली मनाओ, सारे दिए जलाओ, घर घर में जलाओ, आज हम देख रहे हैं घर घर में भी दिए हैं, हर घाट पे दिए, हर घट पे दिए हैं, लेकिन कहकर चले गए और फिर दूसरे काम में लग गए, नहीं, सारे काम भी निपटाए और शाम को घर में
वो दिए भी जला रहे हैं। ये है इस देश के प्रधानमंत्री। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब वे प्रधानमंत्री जी भी नहीं थे और मुख्यमंत्री जी भी नहीं थे, हम लोग ट्रिनिडाड में थे। ट्रिनिडाड में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने एक कार्यक्रम किया था, और एक पहले यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था, एक उसके बाद वो जी जी दसियों हजार लोग थे। जैसे वहाँ के ट्रिनिडाड के प्राइम मिनिस्टर मंच पर आए, और मंच पर आए तो दसियों हजार लोग, और आते ही उन्होंने जय हनुमान ज्ञान गुण गाना शुरू किया। मेरे मन में आया काश दिनों की बात है, जिन दिनों में बहुत कुछ होता था, मेरे मन में आया कि काश हमारे देश में भी कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो इस तरह से मंच पर आते ही हनुमान चालीसा गाएगा। पर मैं आज कहना चाहता हूँ, आज के दृश्य को देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ, वहाँ तो हनुमान चालीसा गाया गया, आज पूरा देश नहीं पूरा विश्व हिंदुस्तान चालीसा गा रहा है। हिंदुस्तान चालीसा गा रहा है। ये है भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर। शैलेश भाई जी, राम पर आप हैं। और इस समय मैं बता दूं व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर न्यूज 18 को रिकॉर्ड व्यूअर्स देख रहे हैं, रिकॉर्ड व्यूअर्स। ये जी 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 यही ताकत है आर पार की और न्यूज 18 की। आर पार देखते हो ना,